जिसके बारे में मैं ये वीडियो में आगे बात जरूर करूँगा इन शॉर्ट आई हैव नो एक्सपेक्टेशन मतलब थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं ये अटैम्प क्लियर कर पाऊँगा दो महीने हार्डवर्क किया था लेकिन जो हार्डवर्क जो मेहनत मैंने किया था वो सफिशेंट नहीं था सी ए इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए ग्रुप वन में चार पेपर रहते हैं चार पेपर में से पेपर नंबर टू यानी कि लॉ लॉ मेरा लीस्ट प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट था और बाकी तीनों सब्जेक्ट में प्रिपरेशन लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर था अराउंड सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट मैंने कवर किया था देखो दो मैंने सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट कवर किया था लेकिन उसको मैंने बस क्लासेस वगैरह देख कर कवर किया था ना ही मैंने रिवाइज़ किया था ना ही उन चैप्टर से रिलेटेड एम टी पी आर टी पी के कोशन्स वगैरह सॉल्व किया था बस क्लासेस किया था और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा बहुत हाँ मैराथन वगैरह देखा था और ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है तो बस अभी फ़िलहाल प्लान यही है कि नवंबर में ग्रुप वन का ही एग्ज़ाम्स दूंगा लेकिन बस फ़र्क ये रहेगा कि पिछली बार से इस बार मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ट्राई करूँगा कि मैं डिसिप्लिन रहूं और एटलीस्ट अपना शेड्यूल रेगुलरली फॉलो करूं। आई हैव नो बडी टू ब्लेम मैं कोई एक रैंडम सा एक्सक्यूज़ भी नहीं देना चाहता हूं। मेरा मतलब ख़राब परफॉर्मेंस होने का पीछे का कारण सिर्फ़ एक ही है क्योंकि मैंने ही अच्छे से टाइम मैनेज नहीं किया मैंने ही अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया एनी जो हो चुका सो हो चुका अब बस मेरा प्लान यही है कि मैं पहले के मुकाबले अभी और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा डिसिप्लिन रहूँ और नवम्बर अटैम्प में अच्छे से एग्ज़ाम्स दूँ अभी तो मैं सिर्फ नवंबर में ग्रुप वन देने का सोच रहा हूँ देखते हैं आगे क्या होगा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं सिर्फ ग्रुप वन का ही एग्ज़ाम्स दूंगा नवंबर में भी बाय द वे हाँ अगर तुम में से कोई नवंबर में पहली बार से इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम्स देने जाने वाला है तो उनको बस मैं यही कहूँगा टाइम रहते मेहनत कर लो टाइम रहते प्रिपरेशन कर लो ताकि बाद में जाके पछताना ना पड़े बस देखो सुनने में ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है बस इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो तुम्हें किसी और की किसी और टॉपिक पर एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करो ताकि तुम्हें बाद में फ्यूचर में जाके पछताना ना पड़े इससे ज़्यादा मैं तुम सबको कुछ नहीं कह सकता हूँ तो फिर बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ और हाँ अगर तुम इस चैनल पर नए हो मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग